हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक टेक्नो। दोस्तों, क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी टाइम आपका लैपटॉप पे कोई भी एक्टिविटी करना होता है या फिर कोई भी टाइम आपका जो टास्कबार का जो लैपटॉप का टास्कबार होता है उसमें कुछ छेड़खानी आप कर देते हैं तो यहाँ पे जो आपका लैपटॉप होता है वो ब्लैक स्क्रीन हो जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो लैपटॉप होता है बहुत ही पुराना हो चुका है तो ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम भी 100% दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि जो लैपटॉप का ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो उससे पहले वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अभी तक मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लैपटॉप ब्लैक स्क्रीन का पहले से ही वीडियो पार्ट वन बना के मैं रखा हूं, जाके आप आई बटन में देख सकते हैं आपको, या फिर आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं, या फिर आपको थंबनेल भी देखने के लिए मिलेगा। उस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यार मिला है यार, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, जाके आप देखने के लिए जरूर जाना। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं लैपटॉप का स्क्रीन पर आ चुका हूँ। दोस्तों, मेरे पास एक लेनोवो का लैपटॉप है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, जब कभी भी इसको मैं पावर ऑन करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए जो मिलेगा, यहाँ पे जो मेरा स्क्रीन है यहाँ पे ब्लैक रहता है, कोई भी फंक्शन में यहाँ पे यूज नहीं कर सकता हूँ, जो मेरा काम होता है यहाँ पे मैं कर नहीं सकता हूँ। दोस्तों, आपको भी ये जो प्रॉब्लम दिखाई देता है अपना लैपटॉप पर, जो भी मॉडल हो सकता है, आपका डेल हो सकता है या फिर एसस भी हो सकता है या फिर एसर भी हो सकता है, आपके लैपटॉप पे ये भी प्रॉब्लम दिखाई देता है तो क्या करना है। दोस्तों, आपको मैं दो मेथड बताऊंगा, दो मेथड की वजह से आप यहाँ पे जो आपका लैपटॉप का प्रॉब्लम है पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे जो ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम को। ऑलराइट, सबसे पहले तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पावर बटन है लैपटॉप का, एक बार आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है, जो ब्लैक स्क्रीन होता है आपको एक बार ऑफ कर देना है, आपका लैपटॉप का एक बार ऑफ कर देना है आपको। फिर जाके आपको 5 सेकेंड के लिए आपका जो लैपटॉप का पावर बटन को दबा के रखना है। जैसे दबा के रखेंगे आपको यहाँ पे, आपको देखने के लिए मेरे का अभी छोड़ देता हूँ, छोड़ देने के बाद यहाँ पे जो लैपटॉप मेरा यहाँ पे खुल चुका है देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे लेनोवो लिखा हुआ आता है और जो मेरा यहाँ पे इंटरफेस है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे खुल चुका है। अभी दोस्तों, मैं जो मेरा काम करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं सक्सेसफुली कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये मेथड अपनाने के बाद भी आपका लैपटॉप पे कुछ नहीं होता है तो चलिए दूसरा मेथड पे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो लैपटॉप का बैटरी को आपको एक बार खोल लेना है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप खोल लेंगे देखने के लिए मिलेगा आपको, यहाँ पे इस तरीके से खोल लेना है। खोल लेने के बाद आपको यहाँ पे आपको फिर से लगा देना है, एक बार निकाल के एक बार लगा देना है। जैसे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे लगा देता हूँ। लगा देने के बाद यहाँ पे लॉक कर देना है। जैसे लॉक कर देंगे आपको यहाँ पे पावर बटन को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करके आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो लैपटॉप मेरा यहाँ पे पूरी तरह से खुल चुका है देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, इस तरीके से आपका भी प्रॉब्लम दिखाई देता है ब्लैक स्क्रीन का लैपटॉप होता है। तो यहाँ पे ऐसे आपको यहाँ पे जो मेथड को फॉलो करते हुए आपका लैपटॉप पर अप्लाई करना है, आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, 100% गारंटी। और दोस्तों, कोई भी दिक्कत आपको आता है अपना लैपटॉप पर ब्लैक स्क्रीन को लेके, या फिर आपका अलग भी प्रॉब्लम हो सकता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, या फिर आप इंस्टा पे आके मुझे क्लोजली बात कर सकते हैं। जो भी कर सकता हूँ आपके लिए, मैं पूरी तरह से आपको हेल्प कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।